तो ये चेहरे बदल लेने से क्या आपको कुछ हासिल हुआ? आप उस नुक्ते पर क्यों नहीं आते कि पब्लिक क्या चाहती है आपसे? पब्लिक चाहती है आपका पूरा जो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, एक एक इदारा मुल्क पाकिस्तान का कोलैप्स कर चुका है, आपको सिस्टम तब्दील करना होगा। आपको इस तरफ नहीं देखना कि अलायंस एमएमए का बनता है, अलायंस आईजीआई तर्ज का बनता है। आपने ये देखना है कि क्या हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंट जुडिशरी बन सकती है, क्या हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बन सकता है, क्या हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी सेल बन सकता है, क्या हमारे मुल्क में हुक्मरानों का सही और वाज़े और सख्त एहतसाब हो सकता है? कौन करेगा? कौन करेगा? कितनी जबरदस्त बात आपने की है। इसके लिए आपको उस कयादत की तरफ देखनी होगी जो सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करे। इमरान खान ने पेश किया है सबसे पहले कि मेरे तमाम असासे ये हैं, इस पर कोई भी शख्स, इमरान खान साहब ने शर्त भी लगाई है, कोई भी शख्स अपने असासे सिर्फ बता दे, मैं टैक्स में दे दूंगा। तो इससे बड़ी और क्या बात मैं दलील दे सकता हूं कि हमारे मुकीम कायदे ने जब अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार किया। अभी आपकी जो ट्रेन है बहुत दूर है मंजिल से। नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि मंजिल से देखें मंजिल ये है कि आपके पास लीडरशिप का फुकदान है। नहीं 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 नहीं, और नहीं मतलब के साथ मेहता साहब मेरी यार सुन ले, जिस वक्त अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उस वक्त उसे पता है क्या कहा गया था अल्लामा इकबाल के ख्वाब को, कि ये एक दीवाने के ख्वाब से ज्यादा नहीं है। लीडरशिप अगर मुहिब्बे वतन, लीडरशिप अगर अवाम के लिए हो, एक कॉलर का सवाल है ना, वो बड़ा अहम सवाल है अपने मसले की तरफ। ये गैर जरूरी है, इस पे आप जा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि एमएमए की बहाली में जो रुकावट बनने की कोशिश करेगा कौम उसे माफ नहीं करेगी। मैं अब भी कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि एमएमए ने जो अपना हुकूमत गुजारी 5 साल की मुशर्रफ साहब के दौर में, उसका हिसाब दें, उसका खुली किताब ये उसे कहा, वो नहीं कह सके। मैं कहता हूँ तो हिसाब मांग रहे हैं, हम दे रहे हिसाब, हम खुली किताब के तौर पर हिसाब दे रहे हैं। हमने एमएमए के दौर में सूबे सरहद में तन्हा हुकूमत की है। आइए हमारे साथ बैठे और सन 47 से लेकर 2001 में इंतखाबात हुए थे, 2001 तक के पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक करें सूबे सरहद का, और 2001 से लेकर 2007 तक जब हम हुकूमत में थे वो चेक किए जाए। अगर हमारे काम, चाहे वो तरक्यात के मैदान में है, तरक्याती काम है, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, तमाम शोबों के रिकॉर्ड चेक किए जाए सन 47 से 2001 तक का, 2001 से 2007 तक का। अगर नहीं, मैं अपनी बात करूंगा कि इस दौरान 4 साल दौर के रिकॉर्ड को चेक किया जाए और पिछले लंबी इतनी बड़ी लंबी दहाइयों के हिसाब को चेक किया जाए, फिर टेनियर चेक किया जाए। नहीं नहीं, मौजूदा की नहीं, मैं तो उस अपनी बात करूंगा, मैं जिम्मेदार उसका हूँ, तब फिर पता चलेगा कि हमने कितना काम किया, हमने तरक्याती कितने काम किए, हमने सेहत के मैदान में कितने काम किए, हमने तालीम में कितने काम किए। मैं आपको ये बताऊं कि सन 47 से लेकर 2001 तक सूबे सरहद में 104 कॉलेजेस थे और 2007 तक, 2002 से 2007 तक 184 कॉलेज बने। इसी तरीके से 184 या नहीं, 184 जब हुए तो 84 मजीद बने ना जी, 104 थे, 84 हमने सिर्फ 4 साल में बनाए और 104 जो है वो सन 47 से 2001 तक थे। एक कॉलर और देखते हैं वो क्या सवाल करते हैं। ठीक है, वो उनका हक हासिल है, लेकिन इस हवाले से जो मैंने गुजारिश की थी वो ये की थी। सलाम अलैकुम। जी जी जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जनाब, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल है जी कि ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और हुकूमत के दरमियान जो अभी रस्सा कशी शुरू हो गई है दोबारा से, जी जी, तो ये मौजूदा हालत में ये किसके मुफाद में है? मुल्क के मुफाद में है इनका इस तरह करना, या ये मुल्क के मुफाद, या इनकी अलहदगी मुल्क के मुफाद में है? क्योंकि इनकी अलहदगी से भी हमें कुछ ऐसा नहीं नजर आता कि हमें कोई फायदा पहुंचे इनकी अलहदगी। मेरे ख्याल में अलहदगी मुफाद में होगी, तो ये अगर राजपूत साहब करना चाहे। देखिये, सवाल बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। जहाँ तक मौजूदा इस सूरत हाल का ताल्लुक़ है, तो
मुझे इस बात पर इन सारे वाक़यात में नेशनल रिकन्सिलिएशन जो जरदारी साहब ने नारा लगाया था और ये कहा था कि ये बीबी का विज़न है और इस विज़न को हम लेकर चल रहे हैं, वो विज़न ना पंजाब में कामयाब हुआ ना सिंध में कामयाब हुआ। पंजाब में आप अगर इल्ज़ाम नवाज शरीफ को देते हैं, नवाज शरीफ आपको इल्ज़ाम देते हैं कि आपने इस विजन में जो है वो रोड़े अटके। ये तो साबित हुआ कि हुकूमत अपने किसी तारीख को इसी तरीके से सिंध के अंदर और रूल रेगुलेशन के तहत उनके साथ डील नहीं कर सकते। सिंध के साथ भी रूल रेगुलेशन की वायलेशन हुई, एमकेएम के साथ भी आए दिन जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब रूल रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं। नेशनल रिकंसिलिएशन तो ना हुआ, पंजाब में भी झगड़े करते रहते हैं, नेशनल रिकंसिलिएशन तो ना हुई। असल में ये सब देख रहे हैं, इस वक्त हर आदमी दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ है, हर जमात दूसरे आदमी जमात से जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि किसी एमकेएम अलग होती है तो जुल्फिकार मिर्ज़ा मुंह खोल के बैठे हैं कि हमने क्या करना है, एमकेएम को पता है कि जुल्फिकार मिर्ज़ा ने फिर क्या करना है। एमकेएम अलग होती है तो पीपल्स पार्टी को भी खौफ सवार है कि फिर हमारे साथ क्या होना है। मेहताब साहब इसका जवाब यह है कि एक बड़ा जबरदस्त शेर है जो इस मौके की मुनासबत से है कि इन दोनों पार्टियों पंजाब और पीपल्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एंड इधर सिंध में एमकेएम और पीपल्स पार्टी, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। अरे साहब किसकी तरफ इशारा है? कह दिया उन्होंने, बात तो वाज़ेह कर दी है। मतलब इन्होंने साबित कर दिया कि नून लीग और इनके मज़लूम है और किसी के दिल में कुफ्र है। अब ये आखिरी मिनटों में मेरे आप आवाम को क्या पैगाम देंगे कि कोई तसल्ली है आवाम के लिए, मकसद कि बहुत जल्द कोई निज़ाम नया आने वाला है? देखिए मैं माशी तौर पर आवाम पिस चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महज चेहरों की तब्दीली से आवामी मसाइल हल नहीं होंगे। इसके लिए तो जब तक निज़ाम की तब्दीली नहीं होगी, और मैं तो यही कहूँगा कि इस्लामी निज़ाम एक ऐसा जामे निज़ाम है कि उस इस्लामी निज़ाम में तमाम तबकात पिसे हुए तमाम तबकात के हुकूक का तहफ़ मौजूद है। मैं तो कौम को यही दावत दूंगा कि वो मुनज़्ज़म हों, इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब पा करें। इस्लामी निज़ाम जब आएगा तो इन तमाम मसाइल का हल उसमें मौजूद है। और वैसे अभी जो आप बात करना चाह रहे हैं कि हमने जिस जो पहल की है, पहल किया, हमने तमाम अपोजिशन जमातें जो पार्लियामेंट का हिस्सा है उनको एक जगह जमा किया है। अब अगले मरहले पर जब हम यहाँ मुनज़्ज़म हो जाएं, यहाँ जो एक दूसरे को करीब आने को सोच ही नहीं सकता था, जब एक दफा बैठ गया और बैठने के बाद आगे चलेगा, अब ये सिलसिला आगे चलेगा और यहाँ जब शामिल करेंगे हो जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट से बाहर की तरफ जब आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें तमाम लोग के हवाले से एक बड़ा फिगर है इमरान खान। असलम राजपूत साहब बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी कमेंट्स आपसे मैं हासिल करना चाहूँगा कि कोई माशी पैकेज, आपकी क़यादत से जब मेरी बात होती रहती है अक्सर तो कहते हैं बहुत जल्द हम एक माशी पैकेज आवाम को देने वाले हैं, उसके ऊपर हम फिर अपनी मुहिम चलाएंगे, वो कब आएगा पैकेज? देखें माशी पैकेज जो है वो मैं समझता हूँ कि ये 25 अप्रैल हमारा योम तासीस है और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हमारे को पार्टी को हो जाएंगे, और बिल्कुल एक आवाम से क्लोज रिलेट करता हुआ अवामी पैकेज है। इकनॉमिकल जो हमारे माहिरीन हैं वो इस सिलसिले में दिन रात इस पर लगे हुए हैं। ये एक मंशूर की शक्ल में नहीं, पूरे एक प्रोग्राम की शक्ल में होगा आवाम को खुशखबरी की, ताकि आवाम को ये पता लग सके कि हम किस तरह आवाम को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों हजरात तशरीफ़ लाए, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सियासतदानों में सियासी जमातों में तफाक हो, और जिस सिलसिले को JUI ने शुरू किया और उसमें MKM ने भी फराखदिली दिखाई, नून लीग ने भी फराखदिली दिखाई, आपको भी इंशाल्लाह आइंदा बल्कि एक जुमले की इजाज़त दें। हाँ। तो मैं कह दूँ कि मेरा आज के प्रोग्राम के तवसुत से तमाम सियासी पार्टियों से ये गुजारिश है, मुतालबा है कि एक हो जाए, गुजारिश है कि कम अज कम इस नुक्ते पर कि सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम इस पर एक हो जाए,
खुदारा हम इस तरह तफरीक में और निफाक के अंदर रहकर हम अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते, हमें अवाम के मसाइल के हल के लिए एक होना पड़ेगा। प्रोग्राम बहुत खत्म हो गया है। कारी उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, असलम महफूज साहब आपका शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का जो फार्मेट है मसीहा कौन, हम इसमें आपको वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ रहनुमाओं के तजिए उनके ख्याल पेश करते हैं, सामने लाते हैं उनको। लेकिन ये एक बेहतरीन डेवलपमेंट है कि जब जुमे वाले दिन मौलाना फजल रहमान की दावत पे तमाम जमातें, पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातें